हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के 34 तक एग्जांपल कर ली थी और उसमें मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन के रिलेटेड ट्रिक्स करवाई थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फंक्शन। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन किसी स्पेसिफिक फंक्शन के साथ करनी हो तो उसका जो जो ट्रिक्स हैं आज हम शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आपको मैंने फॉर्मूले बताए हुए हैं टेन इनवर्स 2x के या टेन इनवर्स x के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बताए हुए हैं, वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी 1+x² अगर आ जाए तो वहां पर x को 10 पुट करना है। ठीक है, अगर x को 10 पुट करेंगे तो ये 1+x² क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़े माइंड में रखने हैं। और 2x/1+x² आ जाए तो ये बन जाता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है जी, करके देख लेना, प्रॉपर करके देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा sin 2 थीटा बनता है या नहीं बनता। अब चलते हैं आगे, तो एग्जाम्पल नंबर 35 से समझने की कोशिश करते हैं क्या है सीन और कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या है, डिफरेंशियल कोफिशियंट निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है, और कुछ नहीं निकालना, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, इसको इसके विद रिस्पेक्ट टू करने पे एक बात ध्यान रखना, अगर मैं सेम चीज का डेरिवेटिव सेम चीज के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर थीटे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर बाय चांस 2 थीटे का विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है जी, ये बात जो है माइंड में जरूर रख लेना। अब चलते हैं क्या है, सबसे पहले यहां पर है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2x/1-x² देन है साइन इनवर्स 2x/1+x², ये 1+x² मुझे बता रहा है भाई मैंने किस में कन्वर्ट होना है। ठीक है, ये किस में बता रहा है, ये बता रहा है x को मैंने 10 थीटा पुट करना है। ठीक है, किस में पुट करना है, 10 थीटा में मैंने पुट करना है। अगर मैं 10 थीटा पुट करता हूं, यहां पर देखना दोनों में, अब करो अगर दोनों में करोगे तो ये पता क्या बन गया, ये बन गया टेन टू थीटे का फॉर्मूला, ये बन जाएगा टेन टू थीटा। ठीक है, और ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टू थीटा। ये फॉर्मूले हमने किए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का 1-10². ठीक है, और साइन टू थीटा का होता है 2 tan θ 1+10² θ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं माइंड में रख लेना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है tan 2θ और बाहर tan इनवर्स है, कट के आंसर कितना आ गया 2θ। यहां पर क्या लिखा हुआ है, sin 2θ लिखा हुआ है, बाहर sin इनवर्स है, कट के आंसर क्या आ गया 2θ। सेम चीज का विद रिस्पेक्ट टू सेम के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, चलें आगे, कैसे आता है ये देख लो, dx/dx क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है जी, तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, यहां तक स्क्वायर रूट है। ठीक है, वो ऊपर अकेले में लिखा हुआ था तो यहां पर है, याद रखना हमारे पास कोस इनवर्स साइन थीटा ऐसे हो या साइन इनवर्स कोस थीटा ऐसे हो, कोस ऑफ थीटा, इन दोनों में क्या होता है, ये कोस एंड साइन, साइन एंड कोस, ये दोनों कट जाते हैं और ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री, तो आंसर क्या आएगा, π/2-θ आएगा। ठीक है, इन कटने से आंसर क्या आएगा, π/2-θ, मतलब जो थीटा बीच में है वो वाला आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी ऐसा कुछ है, यहां पर देखना कोस एंड साइन ये तो कट जाते हैं,
हाँ बट आंसर क्या आएगा यहां पर देखना, ये दोनों कट के पाई बाय टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स वन प्लस एक्स अपॉन टू, सही है जी, प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है ये वाली टर्म का, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, वन पे, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है इन द लास्ट। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कोफिशियंट को अलग अलग कर देता हूँ। कोफिशियंट मतलब वन अपॉन रूट टू अलग कर दिया, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स अलग कर दिया, प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स अलग कर दिया। कुछ फॉर्मूले हैं यहां पर, डेरिवेटिव इसका करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पता क्या आ जाएगा, ये बाहर आ गया, वन अपॉन टू यहां पर आएगा, बेस का दोबारा एक्स का वन, यही आ जाएगा। और एक्स रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, साथ में वन प्लस लोग एक्स आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला याद था, ये वाला मत भूलना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, एक्स रेज टू पावर एक्स की का डेरिवेटिव क्या होगा, या एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लोग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये पूछते हैं। अब एक्स को क्या पुट करना है, वन, अगर यहां पर वन पुट करेंगे लोग वन जीरो होता है, ये तो जीरो बन गया, टोटल आंसर ब्रैकेट में वन बन गया, वन रेज टू पावर वन दैट इज वन, ये भी वन बन गया। यहां पर वन पुट करेंगे तो ये नीचे रूट टू बन गया, ये रूट टू बन गया, साथ में देखना माइनस वन टू रूट टू इंटू रूट टू दैट इज रूट टू स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा टू, तो ये बन गया वन बाय फोर प्लस वन दैट इज थ्री बाय फोर, है थ्री बाय फोर, ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट, आगे आगे चलते हैं, आगे क्या है, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब अगर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर का हो तो उसको पेपर में कैसे करना है, उसके रिलेटेड सबसे पहले फॉर्मूले हैं कुछ, आप अपने माइंड में ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले याद करो। ये देखना, ये जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये समझने जरूरी हैं, याद करने से अच्छा है समझ लो, अगर समझ लिया तो डेफिनेटली पेपर में टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स रेज टू पावर एन है, इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँ क्या आ जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन, एक और एन माइनस वन आ जाएगा, है ना, एक और एन माइनस वन आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, माइनस टू हो गया, है ना, माइनस टू हो गया। फिर वाई थ्री किया तो आंसर क्या आएगा, एक्स सबसे पहले एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री, कुछ समझ आ गया। यहां से ना कंपेयर करो, क्या आपको कोई रिजल्ट समझ आ रहा है, अगर मैं सिक्स्थ डेरिवेटिव डायरेक्ट पूछ लूं आप कर सकते हो, क्या लिखोगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन, कब तक जाएगा ये, अगर थ्री है तो यहां पर थ्री है ना, और यहां पर थ्री की जगह पे टू है तो यहां पर आ जाएगा एन माइनस फाइव आ जाएगा, है ना, एक्स रेज टू बार एन माइनस सिक्स आ जाएगा, सही है, ऐसे ही किया है, देख लो, सही है जी। अगर मैं ध्यान से सुन लेना, अब अगर सिक्स की जगह पे एन कर देता तो यहां पर पता क्या आ जाने थे, ये कम होना था, ये ऐसे ही चलता रहना है, ठीक है, यहां पर कहीं अगर एन कर रहा था तो एंथ डेरिवेटिव सारे के सारे एन नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे एन नीचे आ जाएंगे तो लास्ट पे पता क्या होगा, यहां पर कहीं टू होगा, फिर वन होगा, यहां पर एक्स की पावर जीरो बन जाएगी, है ना। अगर वन डेरिवेटिव किया है तो वन माइनस है, टू डेरिवेटिव किया है तो टू माइनस है, अगर एंथ डेरिवेटिव करोगे तो एन माइनस होगा दैट इज जीरो, और यहां से जो भी है एक ज्यादा यहां पर है तो ये क्या बन गया, ये बन गया एन फैक्टोरियल, है ना, ये बन गया एन फैक्टोरियल, ठीक है जी, साथ में एक्स रेज टू पावर जीरो दैट इज वन। तो ये याद रखना, यहां पर देखना वाई का, वाई अगर एक्स रेज टू पावर समथिंग है, सपोज फाइव है ना, तो y का फिफ्थ डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट और कुछ नहीं फाइव फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और अगर सिक्स्थ डेरिवेटिव पूछ लें वो जीरो बनेगा, ठीक है जी। अब मैं पूछ लूं एक्स रेज टू पावर इलेवन है तो कितने कितने
कौन सा कांस्टेंट होगा, तो वाई का इलेवंथ डेरिवेटिव और एक्स रेस टू पावर इलेवन, सॉरी एक्स रेस टू पावर इलेवन, तो इलेवन फैक्टोरियल जो होगा वो आंसर होगा लास्ट वाई इलेवन का, मतलब इलेवंथ डेरिवेटिव का। और अगर ट्वेल्थ डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये बात क्लियर है? चलें आगे, ये बात क्लियर है या नहीं बता दो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर कर लेते हैं। अब देखो एक और करते हैं, एक और करते हैं। यहां पर देखना, वाई इज इक्वल टू इफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, अगर ऐसे हो तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसे हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, क्या आ जाएगा, एन नीचे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन, बेस का दोबारा करेंगे ए आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज एन एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर हो गया, है ना, एक बार और आ गया बेस का डेरिवेटिव। फिर ऐसे ही वाई थ्री करते हैं तो एन एन माइनस वन, एक सेकेंड, एन माइनस वन एन माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस थ्री ए रेज टू पावर थ्री, सही है जी, देख लो। अब अगर मैं वाई एन करूं तो क्या होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन, चलते 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 क्या हो जाएगा, एंथ डेरिवेटिव पर ये ए एक्स रेज टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस एन हो जाएगा, दैट इज जीरो। और यहां पर एक ज्यादा आता है, यहां से एक ज्यादा आता है, मतलब वन, फिर आगे टू होगा, आगे थ्री होगा, ये ऐसे करके। और ए की पावर अगर थ्री है तो पावर ए की कितनी बन रही है, थ्री, तो ए रेज टू पावर एन बनेगा, ठीक है जी। चलें आगे, कंटिन्यू करें आगे। अब आपके पास फॉर्मूला क्या, आपने समझा, आपने समझा इसका डेरिवेटिव एन का फैक्टोरियल होगा और एक्स रेज टू पावर एक्स तो आना नहीं है, ए रेज टू पावर एन साथ में आ गया, ए रेज टू पावर एन साथ में आ गया। और अगर एक और डेरिवेटिव करता तो आंसर जीरो हो जाना था, है ना, तो आंसर क्या हो जाना था, जीरो हो जाना था। चलिए आगे कंटिन्यू करें, समझ आ रहा है, चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक और फॉर्मूला जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है, वो है अगर मैं वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कर रहा होता तो क्या होना था। सबसे पहले वाई वन ऐसे लिख सकता हूं, वाई वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस ए एक्स प्लस बी, एंड ए का दोबारा, ओ ए एक्स प्लस बी का दोबारा, दैट इज ए। वाई टू क्या आना था, वाई टू आना था कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता है एंथ डेरिवेटिव में ए रेज टू पावर एन तो आएगा ही आएगा, है ना, माइंड में वही चीज सेट कर ली, ए तो आएगा, ए रेज टू पावर एन तो आएगा ही आएगा। अब जो है साथ में क्या आना है, यहां पर देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस को साइन पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूं क्या, सोचो अपने आप, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, साइन पाई बाय टू प्लस, इसको करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस ए एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले को, और साथ में ए है तो ए एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन सॉरी साइन पाई प्लस ए एक्स लिख सकता हूं,
चेक कर लो ध्यान से, चेक कर लो, करना चेक ध्यान से। अगर पाई प्लस ए एक्स है, मतलब पाई प्लस थीटा है, ये बन गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अगर थर्ड डेरिवेटिव करते तो आंसर क्या आना था, साइन का अगेन डेरिवेटिव दैट इज कोस, कोस ए एक्स प्लस बी, ए का क्यूब हो गया। अब ए क्यूब यहां पर देखना, साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आने लग गया। 3π/2 प्लस क्यू लिखा, साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा, अगर यहां पर π/2 आ जाए तो चेंज तो होता है ना, नाम तो चेंज होगा और साइन भी चेंज होगा, बिकॉज साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सही है। तो यहां पर पता क्या बन रहा है, अगर यहां पर 2 से डिवाइड 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको समझ आ रहा है ये 1 डेरिवेटिव पे पर 1π/2, सेकेंड डेरिवेटिव पे 2π/2, 3π/2, तो सिंपली क्या है, nth डेरिवेटिव पर साइन n π/2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। आंसर सिंपल है, याद करना, साइन एज इट इज साइन रहेगा, बेस का nth डेरिवेटिव है तो a^n आ जाएगा, जैसे ऊपर आया था पहले वाले क्वेश्चन में, और साथ में जो है n π/2 आ जाएगा बस। अगर सेम चीज मैं कोस पे करता फिर क्या होता, कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन आ जाना है माइनस के, फिर यहां पर ऐसे लिख सकता हूं cos π/2 प्लस, चेक करो, कोस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है ना, फिर यहां पर माइनस साइन की जगह पे मैं यहां पर कोस लिख सकता हूं है ना। जैसे ही मैंने कोस लिखा तो यहां पर मैं कोस नेगेटिव है, cos π + ax + b, मतलब कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेम आंसर। यहां पर कोस का दोबारा करता तो पॉजिटिव बन जाना था, तो यहां पर मैं पॉजिटिव साइन लिख देता हूं, और यहां पर अगर मैं कोस लिखूं, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट, चेक करो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही लिखा हुआ है मैंने, तो ये जो है मतलब कोस में यहां पर जस्ट कोस आ जाना है, ठीक है, यहां पर जस्ट कोस आ जाना है, ये साइन एंड कोस के फॉर्मूले जो हैं माइंड में होने जरूरी हैं, ठीक है जी। ये जो फॉर्मूले हैं हेल्प कहां पर करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपको जब डेरिवेटिव हाईएस्ट हो तब डेरिवेटिव सोल्व करने में, ठीक है, मतलब जब डेरिवेटिव थोड़ा ज्यादा बड़ा हो तो उसको सोल्व करने में जो टाइम लगेगा वो हम सेव किया करेंगे। और भी फॉर्मूले हैं बट अभी एक बार जितने करवाए हैं उतने ही याद रखना, ये 2-3 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और एक ये याद रख लेना, चलो एक ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, कौन सा, y = e^x आ जाए, या e^x आ जाए तो इसका nth डेरिवेटिव भी यही होता है, ठीक है। और अगर यहां पर a आ गया साथ में तो वो सिंपली क्या होता है, बेस का जितनी बार करोगे वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप हमने किए हैं, बेस का किया था तो साथ में a^n साथ में चलता जाता है। और अगर यहां पर ऐसे हो, ये वाला फॉर्मेट हो, log a, चलो छोड़ो वो आने वाला ही नहीं है, तो ऐसे करने का बेनिफिट ही नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, पेपर में टाइम सेव करना है, ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो टाइम सेव करना है वो तो मैं जरूर करूंगा। सबसे पहले n को 1 पे चेक करेंगे, n को 1 पे मतलब मेरी ओर से n 1 ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो डेरिवेटिव करना है, power 1 ही है तो कुछ खास तो करना नहीं है, 1 का सिंपल डेरिवेटिव करना है, x का क्या आ जाएगा 1,
इसका क्या आ जाता है, इसका तो आपको पता है 1/2√1 + x² और बेस का दोबारा दैट इज 2x, 2 से 2 कट गया। एलसीएम लेके जाओगे तो एलसीएम लेके जाओगे तो यहां पर पता क्या बन गया, ये बन गया √1, ये बन गया √1 + x² + x/√1 + x² ऊपर आ गया y, ऊपर आ गया y, नीचे आ गया √1 + x² है ना। और डेरिवेटिव किया था तो इक्वल टू y1 लिख देता हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लिख देता हूँ। तो इसका आंसर घूम घुमा के ऐसे आ गया। उन्होंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर देख लिया करो क्या है, 2 है। अब इसकी ना स्क्वायर रूट जरूर खत्म करना है, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो स्क्वायर रूट जरूर कर दिया करो, स्क्वायर जरूर कर दिया करो, मतलब स्क्वायर रूट को रिमूव जरूर कर दिया करो। यहां पर क्या है, यहां पर है ये आया है मेरे पास y1 = y/√1 + x², तो इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए और डिनोमिनेटर में ना लेके आने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, उधर मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + x² और साथ में स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी, और उसका तो स्क्वायर रूट हट गया, दैट इज y1 square y square। सही है जी, ये चेक कर लो। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो सिंपल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करोगे, पहला बार 1 + x² बाहर, इसका डेरिवेटिव दैट इज 2y1, y1 का दोबारा करोगे दैट इज y2 आ जाएगा, फिर दूसरा बाहर दैट इज y1 square बाहर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, और साथ में इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया 2y y1। ठीक है जी, यही आ गया। अब देखो ध्यान से, 2y1 यहां पर भी है, 2y1 यहां पर भी है ना, 2y1 यहां पर भी है, कट गया, सही है। तो क्या बन गया, 1 + x² y2 बन गया, यहां पर 1 y1 एंड 2 कट गया तो x साथ में y1 बन गया, सामने 2y1 कट गया तो y बन गया। अब देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, एन को अगर मैं 1 पुट किया है तो यहां पर 1 स्क्वायर आ गया, इट मींस इसका आंसर क्या आ गया, y है ना, इसका आंसर क्या आ गया, y। ठीक है, इसका ही आंसर पूछा था तो इसका आंसर क्या आ गया, y आ गया, तो यही आंसर है। बाकी यहां पर -y बन रहा है, यहां पर भी -y बन रहा है, ये तो बन ही कुछ और रहा है, तो ये तो भाई चला गया। ठीक है जी, सिंपल था, बट हाँ ये वाले में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम तो जाएगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो जाएगा। बाइनोमियल के दो दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है, 1 + x^n का फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, वो होता है दैट इज NC0 x^1 x^n NC1 x^n-1 NC2, NC क्या है वो हम करते थे ना कॉम्बिनेशन में, है ना, NC2 का ये वाला फॉर्मूला आता है NC2 = n^(2)^2, दोनों की -^(-)2), ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं NC2। NCR होगा तो CR यहां पर आर आ जाएगा और यहां पर आर आ जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आता है, साथ में एक्स माइनस, यहां पर x^n है, देन n-1 है, देन n-2, अप टू सोन, ऐसे चलता जाना है और लास्ट पे आ जाता है कहीं NC1 x^1 NC, ओए 1 नहीं, n-1 है ना, सही है जी, लास्ट पे आ जाता है NCN। ठीक है, इसको उल्टा भी कर देते हैं, उल्टा मीन्स टू से यहां पर ऐसे x^2, इसको ऐसे लिखने से वो कहते हैं अच्छा है, आप यहां पर 1, यहां पर x,
एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, एक्स रेस टू पावर एन, जैसे भी आपकी इच्छा है लिख सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। अब जो मेन बात मैंने बतानी है वो है, अगर एक्स को वन पुट कर दें, अगर एक्स को वन पुट कर दे तो क्या आ गया, यहां पर आ गया टू रेस टू पावर एन, एन सी जीरो वन आ गया, एन सी वन यहां पर भी वन ही आ गया, एन सी टू यहां पर भी वन आ गया, एन सी थ्री यहां पर भी वन आ गया, अप टू सोन एन सी एन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो सम ऑफ कंबिनेशन मतलब सम ऑफ ऑल एन सी एन आर वेरिंग फ्रॉम आर वन जीरो टू एन इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एन। और अगर मैं इनमें से, ध्यान से सुन लेना, अगर मैं इनमें से इवन पोजीशन वाले सारे अलग कर दूं, ठीक है, इवन पोजीशन वाले सारे अलग कर दूं, ओड पोजीशन वाले अलग कर दूं, ठीक है, वो सारों सभी का सम पता क्या आएगा, ये बना टू रेस टू पावर एन और ये बनेगा टू रेस टू पावर एन माइनस वन, ये बनेगा टू रेस टू पावर एन माइनस वन, कंबाइन होके ये कितना बन जाता है, टू रेस टू इंटू टू रेस टू पावर एन माइनस वन, दैट इज टू रेस टू पावर एन। ठीक है, उन दोनों का प्लस क्या है, ये है, उन दोनों का प्लस क्या है, ये है, इवन एंड ओड पोजिशन का सम करेंगे ये आएगा, और इवन का सम एंड ओड का सम क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ये बात हमने याद रखनी है। ठीक है जी, ये जो बात मैंने बताई है ये बाइनोमियल में भी आपको बहुत जरूरी है, बाइनोमियल का कंसेप्ट जब करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये बाइनोमियल में भी कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है जी, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है देखना, सबसे पहले क्या दिया गया, एफ एक्स रेस टू पावर एन दिया गया है, और यहां पर कुछ एफ वन लिखा हुआ है, एफ वन डैश लिखा हुआ है, देन एफ वन डबल डैश एंड वन लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है वो हम दिखाई दे ही रहा है। चलो तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखना ध्यान से, एन है और यहां पर उसके डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले एफ जो है सिंपल वो क्या आएगा, एक्स रेस टू पावर एन, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू, सिमिलरली चलता जाएगा तो क्या आएगा, एफ एन मीन्स टू से इसका मतलब है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन टू वन एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन दैट इज वन। ठीक है, यही आ गया, ये कितना आ गया, ये एन फैक्टोरियल ही आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो एक बात, सबसे पहले, और अगर यहां पर ये देखना, यहां पर अगर मैं वो वाले फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन ये बन जाता है, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर वन, देन क्या बना था, एक सेकेंड दोबारा लिखता हूं, एन सी जीरो देन एन सी वन एक्स रेज टू पावर वन एन सी टू एक्स रेज टू पावर टू, एक सेकेंड अप टू सोन, चलो एक और लिख लेते हैं, एन सी थ्री एन सी थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री एन सी फोर एक्स रेज टू पावर फोर अप टू सोन एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन, ऐसे ही लिखा था। अब एन को अगर मैं माइ एक्स को सॉरी एक्स को अगर मैं माइनस वन पुट कर दूं तो क्या बनेगा, एक्स को मैं माइनस वन पुट कर दूं, माइनस वन का स्क्वायर दैट इज जीरो बन गया ये, तो है ना, और एन सी जीरो देन बन गया माइनस के, यहां पर वन माइनस वन पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के एन सी वन, है ना, यहां पर पुट करूंगा प्लस के, क्या हुआ, क्या पता क्या हुआ, ऐसे हुआ कि इवन टर्म्स अलग होगी ओड टर्म्स अलग होगी, और इवन और ओड टर्म्स का सम क्या था, इक्वल था, और माइनस करेंगे उन दोनों में क्या आएगा, जीरो।
तो वो तो क्लियरली है जीरो ही आना था, ये जीरो ताई तभी आया। तो यहां पर एन सी टू आ गया पॉजिटिव का, देन माइनस के एन सी थ्री अप टू सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट पर आ जाएगा -1 की पार n, दैट इज एन सी एन। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ओपन करूं, आपको पता है एन सी जीरो का आंसर क्या होता है, या ऐसे बोल देता हूं एन सी आर का आंसर क्या होता था, एन 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 माइनस आर है ना, और आर। ठीक है जी, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दे, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन एन माइनस आर प्लस वन, देन क्या आएगा एन माइनस आर आ जाएगा, उस पे मैं ब्रेक लगा देता हूं। अगर ब्रेक लगा दी तो मेरे पास बचेगा क्या, नीचे एन माइनस आर, आर का फैक्टोरियल है, आर का फैक्टोरियल है, ये दोनों कट गए है ना। अब इसका आंसर पता क्या आया, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर आर वन, अगर आर वन है उसका मतलब सिंपली एन है ना, अगर आर टू है एन सी टू, अगर आर टू है तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर एन इंटू एन माइनस वन तक चलना है ना, यहां पर आर पुट करके देखो कितने तक चलना है, और नीचे क्या आ गया टू का फैक्टोरियल दैट इज टू, या टू का फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहने दो। अगर एन सी थ्री पूछ लूं तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू तक चलेगा, और नीचे थ्री का फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, ध्यान से देख लो, यहां पर आर की जगह पे थ्री पुट कर दो, ऐसे ही बन रहा है क्या जो मैंने अभी बनाया, चेक करो। ठीक है जी, तो ये बातें जो हैं ये भी ध्यान रख लेना। अब यहां पर क्या बन रहा था, यहां पर देखना, यहां पर जो वैल्यूज हैं वो मैं पुट कर देता हूं, और वन पे पुट करना है मतलब एक्स की पावर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर वन आ गया, यहां पर एन आ गया, यहां पर ये भी खत्म हो गया, यहां पर तो खत्म हो ही गया है। अब यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, सबसे पहले एफ वन की, वो क्या है दैट इज वन, सिंपली वन आ गया। फिर एफ डैश वन की, एफ डैश वन की, तो यहां पर ऊपर क्या आ गया एन, ठीक है जी, नीचे वन का फैक्टोरियल आ गया, कोई बात नहीं। फिर एन एन माइनस वन आ गया, एन एन माइनस वन आ गया, डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर सीधा फिर आगे वाली टर्म लिखते तो ये आनी थी डिवाइड बाय थ्री का फैक्टोरियल, और आगे चल के ध्यान से देखो ये ऐसे कुछ बन रहा है, ये वाला एन फैक्टोरियल था माइनस वन की पावर, और ये कट कटा के आंसर क्या बन रहा है वन, अगर नहीं तो ऐसे ही कुछ देख लो। अब ये क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स, देखना ध्यान से, जो इवन पोजीशन वाली हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, और जो ओड वाली हैं उन दोनों का माइनस है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन दैट इज जीरो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हो यहां से देख लो, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर यही वैल्यूज हैं इसकी, एन एन सी जीरो क्या होता है, एन का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल, दैट इज कट कटा के आंसर क्या बनेगा वन। तो यहां पर वन है, ये वन है मेरे पास, ये है एन फैक्टोरियल अप एन फैक्टोरियल अपॉन वन, एन अपॉन वन, सॉरी एन अपॉन वन, ठीक है जी, वन फैक्टोरियल। फिर ये है एन एन माइनस वन, नीचे टू का फैक्टोरियल। फिर ये है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा, ये बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल बन जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, पेपर में हेल्प मिलेगी, पेपर में कभी कभी क्या होता है टाइम सेव हो जाता है, एक आधे फॉर्मूला ध्यान रखने से टाइम सेव होता है, तो मुझे लगता है रख लेना चाहिए है ना, पेपर में मेरिट को बढ़ाने के लिए इतना तो बनता है, अगर मेरिट में आप ऊपर जाना चाहते हो तो इतना तो बनता है यार। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ करनी जरूरी है, पेपर में हेल्प हो जाएगी।
सबसे पहले यहां पर देखना लॉग का फॉर्मूला आपको आता होगा। लॉग का फॉर्मूला अगर आपको आता है, आगे क्या करना है आगे मैं बता देता हूं। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाते हैं और पावर जो है नीचे आ जाती है। तो ये जो है डिवाइड में है माइनस में आ गई। यहां पर देखो लॉग ही क्या होता है, वन, यहां पर वन है, यहां पर वन है। हमने फॉर्मूला किया था वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन इनवर्स, इसका आंसर होता है पाई बाय टू माइनस एक्स। यहाँ पर आंसर सेम रहने हैं, अगर प्लस माइनस ऐसे होता तो यहाँ पर प्लस हो जाना था, ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखो अपने आप वही बन रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ये वन है, ये लोग ही वन है, वन माइनस एक्स दैट इज, पता चल रहा है एक्स ये है और ये एक्स है, तो पाई बाय टू पाई बाय फोर माइनस, इसको पाई बाय फोर माइनस लॉग एक्स ऐसे भी लिख सकते हो ये वाला, ठीक है जी। ये टेन इनवर्स वन लिखा हुआ है, आप लॉग इसको पाई बाय फोर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला फॉर्मूला, यहां पर देखो टेन इनवर्स ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपने माइंड में रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। अब यहां पर देखो टेन इनवर्स एक्स और ये वाई है, तो नीचे देखो दोनों की प्रोडक्ट करो, ये नीचे पड़ा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स वाई का सम। अगर ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस का साइन होता तो यहां पर माइनस का साइन आ जाता, ठीक है जी। अब देखो ये दोनों सेम है, कट गए और ये क्या बन गया, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फर्स्ट भी जीरो, टू भी जीरो, थर्ड भी जीरो, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑल आर जीरो, तो nth डेरिवेटिव पूछा गया था तो वो क्या आ गया, जीरो, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हम ना एक डी मोवियस थ्योरम किया की होगी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। डी मोवियस थ्योरम होती है, वो क्या होती है, ई रेज टू पर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये होता है फॉर्मूला। एक सेकंड एक सेकंड, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू पर आयोटा थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर यूज करके करोगे ना तो डेफिनेटली आप जो करोगे वो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, जो भी करोगे ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी होंगे ना वो जल्दी हो जाएंगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स दैट इज ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ई रेज टू पावर आयोटा थ्री एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, अप टू सोन है मतलब प्रोडक्ट में चल रहे हैं, इसका मतलब हुआ ई रेस टू बार आयोटा टू एन माइनस वन साथ में एक्स। डबल डेरिवेटिव करना है कर लेते हैं यार, क्या है, तो बेस सेम पावर्स ऐड होगी, आयोटा सभी में कॉमन है, एक्स सभी में कॉमन है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू सोन टू एन माइनस वन, ठीक है। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है, ठीक है, लास्ट पे एन है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स एन है। और सम करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, एन एस एन सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, एन अपॉन टू वन प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये ए एन लिखना है, ए एन लिख लो, एल लिखना है, एल लिख लो, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर लगा रहा हूं, एक्स साथ में पहले ही था, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन, कट कटा के आंसर, ये टू से टू कट गया तो ये कितना बन गया, ये बन गया एन स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है चलिए आगे। अब कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा, ये मेरा वाई है, इसका मैंने डबल डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ई रेज टू पार आयोटा एन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, मैंने क्या बताया था, जितने ई रेज टू पार एक्स के जितने भी करोगे वो एज इट इज आएगा, मैंने बताया था।
दो डेरिवेटिव करोगे दोनों एज इट इज आएंगे, और अगर एक्स के साथ कुछ है उसकी पावर उतनी आएगी, तो माइनस क्या लिखोगे, आयोटा एन स्क्वायर की पावर 2, दैट इज आयोटा स्क्वायर एन की पावर 4, आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस वन, तो यहां पर माइनस वन एन रेस टू पावर 4 कहां पर है, ये लिखा हुआ, ठीक है, नहीं ये लिखा हुआ बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो एन की पावर 4 है, और साथ में क्या है, ये तो वाई इट सेल्फ है ना, वाई इट सेल्फ है ये तो, ठीक है जी, ये हो जाएगा। चलें आगे, आगे वाला कंसेप्ट करते हैं। आगे वाला कंसेप्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डेरिवेटिव है जितने भी फॉर्मूले आप करोगे, यहां पर जैसे लिखा हुआ है एन टू से बड़ा, तो टू से थर्ड डेरिवेटिव सीधा देख लो, नहीं तो कोशिश करो सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, अगर बन रही है आपसे, अगर बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही तो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये आपको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में कैसे करोगे वो अब यहां पर डिस्कस करें। तो यहां पर एक्स रेज टू पावर 4 है, एक्स रेज टू पावर 4 है, ये बीच में ना शैतान आया हुआ है हमारे घर पे, तो वो बीच में आ जाता है, फिर घर वाले पकड़ते हैं, फिर वो आ जाता, हो जाता कभी कभी। चलो जी, डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस के 2x², सही है जी, यहां पर क्यूब आएगा, ये मेरी मिस्टेक है, माइनस करेंगे कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 3x³ प्लस माइनस के 2x², अब एक्स से मल्टी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट 3x³ बन जाए, 3x³ माइनस 3 से करेंगे 9x², 3 से करेंगे 6x, ठीक है, अब माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 7x² माइनस 6x, अब यहां पर मैं करूंगा 7 से मल्टीप्लाई, अब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x² माइनस के 21x प्लस के 14, माइनस करेंगे कट गया, प्लस करेंगे 6 एंड 15x माइनस के 14, ठीक है जी, यही आएगा। चलो जी ये आ गया, अब इसको राइट कैसे करना होता है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, कोशेंट यहां पर देखना, अगर मैं डिवीजन लिखूं एक्स रेज टू पावर 4 ऐसे लिखता हूं, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, डिविडेंड डिविडेंड बाय डिवाइजर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये बात जरूरी याद रख लेना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्यू आर डी आपने याद किया होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोटे होते, क्यू आर डी ये याद किया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना, कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर सेम चीज है, यहां पर प्लस होता है, याद है हम करते थे इसको इधर मल्टीप्लाई फिर प्लस करते थे इसके साथ, वही चीज है, क्यू प्लस आर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का फॉर्मूला होता है, तो ये यहां पर पता क्या बना, ये बन गया डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और डिवाइजर के फैक्टर बना दिए गए हैं, ठीक है, डिवाइजर के फैक्टर बना दिए गए हैं, अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव वगैरह करना है, बताता हूं आगे क्या कैसे करना है, इसको थोड़ा इरेज कर ले, चलो जी यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए है ना, ये वाले पार्ट तक पहुंच गए, आगे क्या करना है,
आगे ना एक पार्शियल फ्रैक्शन का आप छोटे होते करते होंगे, जैसे यहाँ पर है 15x-14 / x-1 एंड x-2, यही है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, तो एक को रख लेना है आपने और उसकी वैल्यू दूसरे के पॉकेट में डाल देनी है, दूसरे सभी के पॉकेट में डाल देनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसकी वैल्यू सभी दूसरे के पॉकेट में डाल देनी है। दूसरों के पॉकेट में कैसे? यहाँ पर 15-14 दैट इज 1, फिर ब्रैकेट दूसरी में भी, तो 1-2 दैट इज -1, ठीक है। तो ये -1 आ गया यहाँ पर, फिर आगे प्लस का साइन डालना है, फिर दूसरी वैल्यू रख लेनी है x-2। अब इसकी पॉकेट में से दूसरे में वैल्यू पुट कर देनी है, क्या आएगी? 2 आएगी x की वैल्यू, इक्वल टू 0 रख के 2 यहां पर पुट करेंगे, 15-14 दैट इज 26, 16 है ना, तो यहां पर 16 आ गया। डिवाइड करेंगे 2, यहां पर पुट करना है, दूसरों की पॉकेट में पुट करना है, तो यहां पर 1 आ गया। चेक कर लो इसके यही फ्रैक्शनल पार्ट आ रही हैं, ठीक है। अब इसकी इसके कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहां पर देखो कौन सा लिखा हुआ है, nth डेरिवेटिव। सबसे पहले nth डेरिवेटिव, और n 2 से बड़ा है, मैंने बताया था 2 से बड़े का डेरिवेटिव करोगे, 2 पर तो कॉन्स्टेंट बन जाना है इसने, और 3 के साथ करोगे तो 0 बन जाना है। ये तो खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, बचे ये, ठीक है। इसके रिलेटेड पहले मैं एक बात बता दूं, फॉर्मूला बता दूं, y इज इक्वल टू 1/ax + b। फर्स्ट डेरिवेटिव करना है आपको, पता है इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे ax + b^(-1) है ना, -1 पावर नीचे डेरिवेटिव करोगे, दोबारा ax + b^(-2) हो जाएगी, है ना, क्या होगी? -2 होगी, अगर आपको समझ आ रहा है तो, समझ आ रहा है? तो यहां पर ए आ गया साथ में बेस का, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, -1 - 2 और ax + b^(-3) हो जाएगा, है ना, और ए स्क्वायर हो गया। अगर वाई 3 करता तो क्या आना था? -1 - 2 - 3 और साथ में क्या आना है? ax + b^(-4). पता चल रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है माइंड में क्या करना है? यहां पर 3 आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखें इन दोनों को, इन तीनों को, तो मेरे पास वाई एन का फॉर्मूला पता क्या बन रहा है? एक तो -1 आना है सभी में, और जितने डेरिवेटिव हैं उतनी उसकी पावर आनी है। चेक करो, 1 डेरिवेटिव है तो 1 माइनस है, 2 डेरिवेटिव है तो 2 माइनस है, 3 डेरिवेटिव है तो 3 माइनस है, एक तो ये आएगा। फिर अगर 3 डेरिवेटिव है तो फर्स्ट 3 नेचुरल की प्रोडक्ट है, अगर 2 है तो फर्स्ट 2 नेचुरल की प्रोडक्ट है, एन है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, जिसको हम एन फैक्टोरियल बोलते हैं। फिर पावर पता क्या है? पावर है 3 से 1 ज्यादा और नेगेटिव, मतलब यहां पर आएगा ax + b^(-k n+1 ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में n+1 आएगा ना। दोनों को क्या करना, n में 1 ऐड करना है, दैट इज 3 में 4 1 ऐड किया, 4 आ गया और बाहर माइनस आ गया, और साथ में a^3 है तो यहां पर a^n आ जाएगा, बिकॉज वो मैंने आपको बताया ही था बेस का साथ में आता है। ये अगर समझ लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो फिर तो काम मुश्किल है। ये तीन तीन मैंने पहले फॉर्मूले बताए थे, एक और बता दिया, ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड पेपर में पूछ लेते हैं, तो पेपर में करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम सेव करने के लिए आपको कुछ बातें जो हैं हर एक चैप्टर की, कुछ ना कुछ आपको माइंड में क्लिक करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर -1 है ना बाहर, और x-1 है जो डिवाइड में है ना, उसका फॉर्मूला हमने क्या किया है? -1 की पावर एक तो n आएगी और एक n का फैक्टोरियल आएगा, फिर आगे क्या आएगा? ax दैट इज x-1 की पावर -k n+1 आएगा, ठीक है जी। ये ब्रैकेट होगी बंद फर्स्ट वाले की।
अब 16 बाहर है, सेम चीज यहां पर लगनी है, माइनस वन की पावर एन, एन का फैक्टोरियल एक्स माइनस टू रेज टू पावर माइनस ब्रैकेट में एन प्लस वन, तो यही आएगा जो आंसर आएगा। अब देख लो ये वाला आंसर कहां पर है, चेक करो कहां पर है, माइनस वन रेज टू पावर एन जो है, एन का फैक्टोरियल एंड माइनस वन दोनों में है, ठीक है जी, सही है, दोनों में है, ये माइनस वन यहां पर भी है, यहां पर भी है, 16 पॉजिटिव वाला है, 16 बिल्कुल पॉजिटिव वाला है, और माइनस वन के यही है, ए ऑप्शन मैच कर रही है अगर कॉमन निकाल दे तो, ए ऑप्शन मैच कर रही है अगर कॉमन निकाल दें तो, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेना, वही मैच करेगा, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेना, इसके साथ मैच करेगा, यहां पर एन की जगह पे थ्री पुट कर देना, ठीक है जी, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेना। आगे वाला जो टॉपिक है ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बट ये पेपर में आने वाला नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ पेपर में आने वाला है नहीं, ठीक है, पेपर में आने वाला नहीं है, बट हाँ किस्मत कभी खराब होती है तो कुछ भी हो जाता है, वैसे ये नहीं है। तो सिंपली अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रो पकड़ लेनी है, उसका डेरिवेटिव कर देना है, फिर प्लस का प्लस लगा के दूसरी रो पकड़ लेनी है, दूसरे का डेरिवेटिव कर देना है, फिर अगर तीसरी रो है फिर तीसरी प्लस में एक और कर देना है, ठीक है, ऐसा करना है। फिर सेम चीज अगर कॉलम के साथ अगर आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कॉलम के साथ करना चाहते हो, कॉलम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का करो, बाकी एज इट इज राइट करो, प्लस लगाओ, फिर सेकंड कॉलम का करो, एज इट इज राइट करो, फिर थर्ड कॉलम का करो, एज इट इज राइट करो, तीनों का प्लस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहते एफ आर एफ जी आर एंड एच आर आर वन टू थ्री ये गिवन है, आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स सच दैट, ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव आई थिंक फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले यहां पर देखो क्या है, अगर फर्स्ट रो पकड़ोगे तो फर्स्ट रो का सभी का डेरिवेटिव, बाकी एज इट इज, देन सेकेंड रो का, देन चेक कर लो यहां पर सेकेंड का किया है, देन थर्ड का किया है, ठीक है जी। अब एट ए पुट करना है, यहां पर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डेरिवेटिव करना है सिंपल, एक डेरिवेटिव ए पुट करोगे तो इक्वल है, अगर इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, यहां पर देखना, अगर ए पुट कर दिया दोनों, ये भी दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। आइडेंटिकल रोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। सेम फिर ए पुट करने पे ये दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल हैं, तो ये भी जीरो बन गया, फिर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी जीरो बन गया, तो आंसर क्या बन गया, जीरो इसका आंसर बन गया, सिंपल सिंपल था। चेक कर लो क्या लिखा हुआ था, एट ए आंसर सभी का क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया गया, वेयर पी इज कॉन्स्टेंट, पी एक कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव करना है थर्ड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलो कोई बात नहीं कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान से एक बात देखो, वेरिएबल जो है वो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है तो दूसरों का तो करना ही नहीं है, तो एक ही रो का करना है तो कहानी कहानी खत्म, सिंपल एक रो का करना है, कितने डेरिवेटिव करने हैं, तीन डेरिवेटिव करने हैं, एक साथ कर दो। अगर यहां पर सेकंड रो में होते ना, फिर आप एक और उसका बनाना था आपने प्लस करके, फिर एक रो और बनानी थी उसका करना था, बट यहां पर है ही एक रो में वेरिएबल, तो सिंपली क्या करो, सीधा थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर थ्री क्या होगा, थ्री का फैक्टोरियल हमने किया था, है ना, एंथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, दैट इज एन फैक्टोरियल, तो यहां पर थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो थ्री का फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज सिक्स। साइन का थर्ड डेरिवेटिव करना है तो साइन का थर्ड डेरिवेटिव क्या है, पीछे एक्स कॉन्स्टेंट है मतलब एक तो कुछ नहीं आना, थर्ड डेरिवेटिव करना है तो थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के साइन, है ना, माइनस के साइन एक्स, ठीक है जी, सही है, सही है जी। चलें आगे,
तो ये माइनस के साइन एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा कोस का थर्ड डेरिवेटिव, दैट इज प्लस के कोस बनेगा, है ना। बिकॉज हमारे पास क्या होता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर पुट कर देंगे तो साइन 3π/2 था, साइन एक्स था, तो साइन, एक सेकेंड, यहां पर जो डेरिवेटिव आया तो यहां पर सीधा वैल्यूज पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेना, दैट इज -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है तो आ रहा है। फिर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो आ रहा है तो आ रहा है, दो रोज क्या होगी सेम होगी, तो डेरिवेटिव जो आंसर क्या आ गया जीरो हो गया। टू आइडेंटिकल रोज, डिटर्मिनेंट ऑफ टू आइडेंटिकल रोज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास 43rd एग्जाम्पल भी हमने कर ली, इसका आंसर क्या आया है जीरो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ठीक है, पी उसमें नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पी लिखेंगे, जीरो आ गया ना। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन में आप डेरिवेटिव करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, वो भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है, सबसे पहले ये सुन लो, वो एक लिबनाइटिस फॉर्मूला उसको बोलते हैं, कहीं आपने पढ़ा होगा। तो सिंपली क्या करना है, अगर फंक्शन यहां पर देखना जैसे लिखा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और वेरिएबल उसके लिमिट्स में है, ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, फंक्शन में जो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हो तो ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, साथ में डेरिवेटिव कर देना है वैल्यू किसका, लिमिट का, फिर माइनस, ऐसे करते हो ना, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हो, फिर नेगेटिव नीचे वाली लिमिट पुट करते हो, फिर क्या करना है नीचे वाली लिमिट फंक्शन में पुट कर देना है, डेरिवेटिव करना है लिमिट का, बिकॉज लिमिट एक वेरिएबल है। सेम चीज यहां पर देखना क्या है, इसका आंसर बताना है इसके डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का सिंपल है, लॉग ऑफ टी ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, टी की जगह पे एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज 3x² आ गया, माइनस करना है नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है दैट इज लॉग x² और x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x, ठीक है। इसको अब देख लो किससे मैच कर रहा है, जस्ट ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 9x² बन गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन गया 4x, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। फॉर्मूला क्या है वो समझ आ गया, मतलब अगर ए टू बी लिमिट है एफ ऑफ टी की, एफ ऑफ टी डी टी की, तो आपने सिंपली क्या करना है एफ ऑफ टी में बी पुट करना है और बी का आपने डेरिवेटिव कर देना है एक्स के साथ, फिर माइनस करना है एफ ऑफ ए पुट कर देना है, जैसे ही ए पुट करोगे साथ में डेरिवेटिव ऑफ ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार जरूर दोबारा देख लेना, फिर तो डेफिनेटली समझ आ ही जाएगा, ठीक है जी। चलें आगे, अब आगे चलते हैं, आगे वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ये कुछ दिया गया है, ठीक है, और आपने डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव करना है वाई के साथ, सिंपली वाई के साथ है डबल डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं वाई के साथ एक्स का, वाई का एक्स के साथ फाइंड करना चाहता हूं, तो वाई एक्स अगर मैं y के साथ कर दूं तो क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू 1/√1 + 4y² हो जाएगा ना, 4y² और y का 1, फिर जीरो पुट करेंगे दैट इज 1 आ जाएगा, एक सेकेंड, जीरो पुट करेंगे दैट इज 1 आ जाएगा, है ना, एक सेकेंड, जीरो पुट करेंगे तो डेरिवेटिव में, हाँ जीरो पुट करेंगे 1 आ जाएगा, और जीरो का डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो वो जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म जीरो होगी और सामने क्या आ गया dx/dy आ गया। अब उल्टा कर दो इसको, कैसे भी करो डबल डेरिवेटिव निकालना है हमने, ये डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव करोगे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद dy/dx अगेन आ जाएगा तो वो उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, आंसर करने पे 4y आ रहा है, ठीक है जी, ये 4y आ रहा है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक
एक सेकेंड, लिबनेट्स फॉर्मूला है, इसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखना, कभी भी दो जने प्रोडक्ट में आ जाए यूवी, है ना, इसका मैं डायरेक्ट बोल दूँ एंथ डेरिवेटिव बताओ, तो बता सकते हो क्या? कैसे करोगे? इसका एंथ डेरिवेटिव बताना है, तो एंथ डेरिवेटिव बताना है ना, तो सिंपली पता क्या करना है आपने, यहां पर लिखना है एन सी जीरो, ठीक है, यू वी एज इट इज। अब यहां पर एन सी जीरो तो आपने लिख लिया, अब आपने ना डेरिवेटिव करने हैं, कितने करने हैं? एन डेरिवेटिव करने हैं। तो एक का एन डेरिवेटिव किया फर्स्ट का, इसका कोई नहीं किया जीरो, फिर एन सी वन कर दिया, अब एन सी वन हो गया। अब यू एन है तो यहां पर एक कम कर देना है वन, ठीक है, वही वन आपने एक डेरिवेटिव कर देना है वी का। फिर सेम चीज एन सी टू, यू के एन माइनस टू कर देने हैं और वी के टू कर देने हैं, ठीक है, ऐसे ही चलता रहना है। अब इसमें लॉजिक क्या है, मतलब आप किसको यू मानोगे, किसको वी मानोगे, या कैसे करोगे? सबसे पहले मैं बता दूं, जो चीज ध्यान से सुन लो, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर ये वाला ऐसे चलते चलते लास्ट क्या आ जाएगा, एन सी एन, यू का कोई डेरिवेटिव नहीं, वी के एंथ डेरिवेटिव, ऐसे ही आ जाएगा ना। अब यहां पर सुनो ध्यान से, वी आपने अगर ऐसे फॉर्मूला लगा रहे हो, वी आपने वो वाला मानना है जो डिक्रीजेबल है, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो वी आपने मानना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट कोई डेरिवेटिव नहीं, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 2x, फिर सेकंड डेरिवेटिव दैट इज 2, और उसके बाद तो सारे जीरो हो गए, कहानी खत्म। पता चल गया क्या कह रहा हूं? जो डिक्रीजेबल है, जो डिक्रीजेबल है उसका आपने 1 2 3 ऐसे 0 1 2 3 उसका करना है, और दूसरे का आपने एन करना है, और टोटल कंप्लीट क्या होना चाहिए, ये एन एंड जीरो कंप्लीट एन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुन लो, अगर कभी मैं बोल दूं, यहां पर देखना, अगर मैं बोल दूं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, है ना, कि कौन सा डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, ठीक है जी, थर्ड डेरिवेटिव, या इसका मैं फोर्थ डेरिवेटिव बोल देता हूं, ऐसे ही बोल दिया मैंने, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपने पता क्या करना है, 4c0 पहले लिख लेना है, साइन का आपने फोर्थ डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं करना, फिर 4c1 साइन का आपने 3 डेरिवेटिव करने हैं, कितने करने हैं, 3, एक्स स्क्वायर का एक करना है दैट इज 2x, फिर 4c2 साइन के आपने 2 डेरिवेटिव करने हैं, एक्स स्क्वायर के 2 करोगे, मतलब आगे इसका एक और करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, फिर आगे तो आपको पता चल रहा है ना, 3 वाला तो है ही 0, साइन का 1 डेरिवेटिव इसका करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, मतलब यहां पर आंसर लीव हो गया, यहां पर ही रुक गया, ठीक है। अब इसके 4 डेरिवेटिव आपको करने आते हैं, क्या करोगे, साइन 4π/2x, खत्म कहानी। इसके 3 डेरिवेटिव करने आते हैं, 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 डेरिवेटिव करने आते हैं, 2 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता है, एन सी जीरो इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है 4c0 की, तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये वाला लगा लो, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, फिर 1 4 4 4 6 4 1, ये मैंने कैसे किया, ये मेरे कोफिशेंट आए हैं, ये 1 जो है फर्स्ट वाले का है, 4 जो है सेकंड वाले का है, 6 जो है थर्ड वाले का है, कहानी खत्म। अब ये मैंने कैसे किया, ये सबसे पहले 1 यहां पर एक 1 और यहां पर, बस अब आगे करना है, ये वाला 1 एज इट इज, इन दोनों की एडिशन यहां पर है, किन दोनों की, इन दोनों की एडिशन यहां पर, फिर ये वाला 1 यहां पर, अगेन 1 यहां पर, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की एडिशन, देन 1, ये वाला 1 यहां पर, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की एडिशन, ये वाला 1 यहां पर, ऐसे करके। और यहां पर 3 है, अगर अगर यहाँ पर 2 है, इट मीन्स एन सी 2c0, 2c वाला आंसर है, अगर 1 3 3 है, इट मीन्स यहाँ पर 3 है, इट मीन्स 3c वाले फॉर्मूले हैं ये,
ये 3C0 का है, 3C1 का, 3C2 का, 3C3 का, ठीक है जी। तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन जो हैं लिबनाइटिस थ्योरम के बेस पे हैं, और रिजल्ट भी मैंने बता दिया, रिजल्ट एग्जैक्टली पेपर में भी पूछ लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है जी। तो पूछ सकते हैं, बट अभी तक नहीं मैंने कोई देखा। चलो कर लेते हैं इसको आगे। क्या है वो कहते हैं, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अरे यार इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल। यहां पर देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था Nc0 है ना, फिर यहां पर e रेस टू पावर x के कितने डेरिवेटिव, n कर दो, एक्स स्क्वायर डिक्रीजेबल है इसका कोई नहीं करना, फिर Nc1 e रेस टू पावर x n-1 करूंगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, फिर e रेस टू, फिर Nc2 e रेस टू पावर x के n-2 डेरिवेटिव, और 2x का आगे एक और करेंगे तो 2 आ जाएगा, सही है। और इसके बाद तो आना ही 0 है, इसके बाद तो 0 आना है। e रेस टू पावर x के n डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव करो, e रेस टू पावर x हटने नहीं वाला, ये तो e रेस टू पावर x ही आएगा, फिर e रेस टू पावर x के n-1 करो, वो भी सेम आएगा, e रेस टू पावर x यहां पर करोगे, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसका आंसर आ गया। यहां पर देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, Nc0 का फॉर्मूला ओपन करोगे 1 होगा, ये वाला ओपन करोगे n होगा, ये वाला ओपन करोगे n(n)(n-1)/2 होगा, ये 2 कट गया, और e रेस टू पावर x कॉमन निकाल लो, बाकी देख लो किसके साथ मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन, यहां पर 2x था, यहां पर देखना 2xn कहां पर है, 2xn यहां पर है, आगे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला आना है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, सही लगा। यहां पर भी सेम चीज करो, सेम चीज करो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर रिमूवेबल है, ई रेस टू पावर एक्स की जगह पे आपके पास आज लोग एक्स आ गया, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लोग एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। अब इसके nth डेरिवेटिव करने हैं, 1/x के आपको करने आते हैं, मैंने बताया था वो वाली ट्रिक यूज करके आप कर सकते हो। अगर नई फॉर्मूला लगाना तो n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो किसमें से आंसर आ रहा है, तो वही उसका आंसर, वो भी उसका आंसर होगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो n अगर मैं 1 पुट करता हूं तो यहां पर फैक्टोरियल वाले में है, ये तो नहीं कर सकते, अगर 1 पुट करेंगे यहां पर देखना ये 0 बन जाएगा, इसलिए 1 मत पुट करना। यहां पर Nc3 है तो यहां पर ये देखना n-3 का फैक्टोरियल है, 3 पुट कर दो, कम से कम 3 करो डेरिवेटिव, कम से कम 3 करो, बिकॉज ये Nc, ये जो फैक्टोरियल है वो सेटिस्फाई कर जाए, ये हमने देखना है। और एक बात और, यहां पर जब डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर देखना जस्ट इतना चेक करो, 2 एज ए फैक्टर आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो क्या आएगा, 2x log x एंड एक्स स्क्वायर 1/x, कट कटा के आंसर x आ गया। अब इसका एक और डेरिवेटिव करो, जैसे ही एक और किया तो ये क्या आएगा, 2 तो बाहर आ रहा है, इसके बाहर तो 2 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव वो तो 1 ही हो जाना है ना, स्पीड में वो इसका डेरिवेटिव करना है, 2 एज ए फैक्टर आ रहा है, 2 एज ए फैक्टर आ रहा है, और x का 1 हो जाना है, एक और डेरिवेटिव करोगे ये तो 0 आ गया, बट इसका, इसके बाहर तो 2 है, 2 एज ए फैक्टर है, तो ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। यहां पर 2 एज ए फैक्टर नहीं है, यहां पर 2 फैक्टर नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी नहीं है, तो ये इसका आंसर है। मैंने कैसे किया, डेरिवेटिव 3 किए भी नहीं, ध्यान से देखो मैंने 3 डेरिवेटिव किए भी नहीं, एक्स स्क्वायर लोग एक्स ये था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया 2x लोग एक्स, देन एक्स स्क्वायर लोग एक्स का 1/x और पावर कट के एक्स रहेगी, ठीक है। अब मुझे पता है इसके दो डेरिवेटिव और किए, ये तो 0 हो जाना है, ये 0 हो गया, इसके दो डेरिवेटिव करूंगा, 2 एज ए फैक्टर आएगा, अगर 2 एज ए फैक्टर आएगा तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पेपर में आपको थोड़ा दिमाग ऐसे चलाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा डेरिवेटिव टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है आज के लिए, इतना ही, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे मूव करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।